नमस्कार जय हिंद सभी को वंदे मातरम साथियों लक्ष्य क्लासेस प्लेटफॉर्म आप भली बात ही जानते हैं आज पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा और तेज़ी से उभरता हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लक्ष्य क्लासेस विश्वास बनाए रखें और आपके भविष्य को अपने सपनों को यहाँ पर साकार करें इसी कामनाओं के साथ में आज के क्लास का आगाज़ करते हैं मैं आपका दोस्त इतिहास का विद्यार्थी गोविंद मालवीया साथियों जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम आपसे लगातार जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से करीब करीब हमारे दो तीन सेशन बीत चुके हैं और मेरे साथ मेरे प्रबुद्ध साथी भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं लगातार आप लक्ष्य क्लासेस के व्हाट्सअप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यू कोड का इस्तेमाल करके एक बार मुझे कन्फर्म करवा दीजिए आपके पास में मेरी वॉइस परफेक्ट पहुँच पा रही है आई मीन टू से ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम क्लास का आगाज़ करना चाहेंगे साथियों लास्ट सेशन में हमने जो सर चर्चा की थी वह चर्चा हमारी थी आदिवासी आंदोलन जिसे जनजाति आंदोलन कह सकते हैं आप उस आदिवासी आंदोलन या जनजाति आंदोलन में हमने लास्ट सेशन में जो चर्चा की थी वह चर्चा हमारी भील आंदोलन से संबंधित थी और भील आंदोलन के बाद में हमने मीणा आंदोलन की भी चर्चा की थी आपके समक्ष आज आदिवासी जनजाति आंदोलन का एक तीसरा पड़ाव मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं और वो है मेर आंदोलन हालांकि इस आंदोलन को हम कई प्रारूप में कई पड़ावों में देख सकते हैं हालांकि ये नाम आपने शायद पहले सुना या नहीं सुना आई डोंट नो बट इतना ज़रूर है कि इस आंदोलन को शायद 99% परसेंट लोग जानते नहीं होंगे कि ये भी एक आंदोलन का जो है राजस्थान में पड़ाव रहा है इस आंदोलन को मैं कुछ इस तरह के से आपके समक्ष रखना चाहूँगा ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बातों को और मैं ही क्या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ाई करें सब अपने आप में टैलेंटेड होते हैं एक से एक बढ़कर होशियार होते हैं पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी और अगर नहीं है तो भविष्य के साथ में वह अपना नॉलेज गेन करके होशियार बन ही जाते हैं बस हाँ पढ़ाने की शैली कुछ लोगों की अलग हो सकती है कुछ लोगों की अलग हो सकती है बाकी ऑल आर नॉलेजेबल पर्सन जो यहाँ पे पढ़ा रहा है उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपका करियर निश्चित तौर पर बनेगा बात करते हैं मेर आंदोलन की देखिए मेरे गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा इतिहास की दो आंखें हैं डेट और मैप बिना डेट के और बिना मैप के इतिहास न तो पढ़ना चाहिए न पढ़ाना चाहिए हालांकि आपके जितना इतना अच्छा तो मैप मैं नहीं बना पाता फिर भी कोशिश करता हूं बनाने की मैंने अपना प्यारा राजस्थान बनाया है देखना इसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो देखिए राजस्थान के अंदर आपने सुना होगा एक प्रदेश था जिसका नाम था मेवाड़ आज भी है मेवाड़ तो है ना मेवाड़ जिसके अंतर्गत सिरोही उदयपुर राजसमंद इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ और अगर गुजरात की बात करें तो दाहोद लिमड़ी संतरामपुर अरावली बड़ौदा ये वाले क्षेत्र आते हैं और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें झाबुआ जोबट, रतलाम नीमच ये वाला क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है है ना इस मेवाड़ का नामकरण एक जनजाति के नाम पर पड़ा था और वो जनजाति थी मेद इतिहास के पन्नों में झांक कर देखेंगे आप तो आपको ये नाम जरूर मिलेगा है ना ये जनजाति पहले दक्षिणी राजस्थान में गुजरात बॉर्डर पर और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में रहती थी और इसी जनजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा था मेदपाठ मेदपाठ शब्द का अर्थ है होता है मेदों का पाठ स्थान यानी जन्म स्थान यह आपने नाम जरूर सुना होगा और आप तो जानते हो कि मेदपाठ का अपभ्रंश जो होता है वह धीरे धीरे पढ़ के मेवाड़ हुआ अपभ्रंश का मतलब होता है नाम को बिगाड़ना जैसे कि नाम होता है रमेश और हम अक्सर कहते हैं रमेशिया ऐसे बोलते हैं ना ठीक है वैसे ही वैसे बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम पड़ा मेवाड़ यानी यहां पर पहले एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था मेध अब हुआ यूं साहब इस दक्षिणी राजस्थान में यह मेद जनजाति जो रहती थी और इस कारण से इस क्षेत्र का नाम था मेदपाट यानी मेदों का पाठ स्थान और इसी का नाम बिगड़ के पड़ा मेवाड़ इस जनजाति का कार्य था शुरू से चोरी करना डकेती करना लूटपाट करना हत्याएं करना ये पूरा का पूरा यहाँ पर जंगल राज था यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेद जनजाति रहती थी यहाँ पर मेदों के अलावा भील भी रहते थे ग्रासिया भी रहते थे लेकिन भील और ग्रासिया बेचारे थोड़े भोले होते थे लेकिन थोड़ी मेद जो है वो एग्रेसिव जनजाति थी उग्र जनजाति थी है ना तो करीब करीब 1437 ईसवी ईस्वी की बात है जब मेवाड़ में महाराणा कुंभा का शासनकाल था महाराणा कुंभा के शासनकाल पे मैं बाद में जाऊंगा पहले थोड़ा सा और इतिहास में आपको डेप्थ में लिए जाता हूं इस वाले क्षेत्र में टोटल यह जंगली जनजातियां रहती थी यानी यू समझ लीजिए जंगल के अंदर एक तरह का राज था और इसी जंगल राज पर शासन व्यवस्था जो लागू की थी वो किसने की थी मेवाड़ के गुहिल वंशी शासकों ने जैसे आपने नाम सुना होगा बप्पा रावल हो गए इसके अलावा उसके बाद में जो हैं आलट हो गए या फिर जेत्र सिंह हो गए ये जो वंशी शासक है इन्होंने यहां पर शासन व्यवस्था की शुरुआत की पहले ये जनजाति यहां इस स्थान पर दक्षिण भारत में रहती थी उसके बाद में आपने नाम सुना होगा मेवाड़ महाराणा कुंभा जी हां सिसोदिया वंश के पहले महाराणा जिनका नाम था हमीर सिंह और हमीर सिंह के बेटे जो है क्षेत्र सिंह क्षेत्र सिंह यानी खेता के बेटे लक्ष्य सिंह अर्थात लाखा और लाखा के बेटे जो थे मोकल और मोकल के बेटे थे कुंभा अब कुंभा के समय पड़ोस में एक मालवा रियासत थी मालवा और इस मालवा रियासत की राजधानी थी मांडू और मांडू का सुल्तान था जिसका था नाम था महमूद शाह खिलजी महमूद शाह खिलजी प्रथम उस महमूद शाह खिलजी ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था और इन मेदों की बस्तियों को जला दिया था तो ये बेचारे मेद जो हैं इस इलाके को खाली करके मध्य राजस्थान में आकर बस गए थे ठीक है और मध्य राजस्थान में इनको मेर कहा गया और इन्हीं मेरों के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा मेरवाड़ा जिसे बाद में हम अजमेर मेरवाड़ा नाम से जानते हैं नाम सुना ही होगा आपने अब बाद में क्या हुआ वो भी जरा सुनना करीब 1818 सो ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी 1818 सो ईस्वी में 1818 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली तो इन मेरों को देखिए ये मेर जो मध्य राजस्थान में बस गए थे वहां पर भी इनका काम यही था चोरी डकेती हत्या लूटपाट ये काम करते थे ये लोग ठीक है और इनसे रक्षा के लिए ही आपने सुना होगा मेरों की रक्षा करने के लिए जो पहले मेद थे मेरो से रक्षा करने के लिए महाराणा कुंभा ने एक किला बनवाया था जिसका नाम था कुंभलगढ़ जब उन्होंने मालवा रियासत को लूटा तो लूटने के बाद में जब मेरों से इनकी रक्षा करना चाहते थे तो कुंभलगढ़ किले का निर्माण इन्होंने करवाया था लेकिन मेद लोग वहां पर भी पहुंच जाते थे इस कारण से कुंबलगढ़ किले के अंदर एक और किला बनवाना पड़ा जिसका नाम था कटारगढ़ वैसे राजस्थान में दो किले ऐसे हैं जिसके अंदर किला है एक तो कुंबलगढ़ के अंदर कटारगढ़ और दूसरा था जयगढ़ के अंदर विजयगढ़ जो कि जयपुर के अंदर है ठीक है इसके अलावा पूरे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तीन किले ऐसे हैं जिसके अंदर किला है एक तो कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ अपने राजसमंद में एक जयगढ़ जो कि जयपुर में है उसके अंदर विजयगढ़ और एक है आपके दक्षिण भारत के अंदर तोरणा का किला तोरणा के अंदर एक एक किला है जिसका नाम है विशालगढ़ ठीक है तो टोटल तीन किले हैं तो कटारगढ़ मेरो से रक्षा के लिए ही बनाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा वहां पर भी ये चोरी डकेती हत्या लूटपाट करते थे महाराणा कुंभा जो महमूद शाह खिलजी से सारंगपुर युद्ध में जीते थे और आपको पता होगा इसी महमूद को महाराणा सांगा ने सॉरी महाराणा कुंभा ने बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर चित्तौड़ किले में छह महीने रखा था और उसी के विजय के उपलक्ष्य में एक किला बनवाया सॉरी स्तंभ बनवाया गया था जिसका नाम रखा गया था विजय स्तंभ तो इसी महमूद की रियासत को लूटा था सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने इसको हरा दिया था और उस सारंगपुर युद्ध के जीत के बाद में जो धन एकत्रित करके लेकर आए थे ठीक है उसी धन को महाराणा कुंभा एक जगह पर सुरक्षित रखना चाहते थे तो उसी धन को सुरक्षित रखने के लिए महाराणा कुंभा ने बताया था अपने प्रधान वास्तुशिल्पी मंडन मिश्र को कि इस धन को ऐसी सुरक्षित स्थान पर रखो जहां ये मेर लोग पहुंच ना पाए तो उस धन को सुरक्षित रखने के लिए कुंभलगढ़ किला किले का निर्माण करवाया गया था लेकिन मेर लोग वहां पर भी पहुंच जाते थे तो उसके अंदर एक और किला बनवाना पड़ा कटारगढ़ और मैं आपको बता दूं यह धन आज भी वहां पर मौजूद है पर कहा मौजूद है आप ट्राई कीजिए ढूंढने का इस धन के बारे में कहा जाता है कि यह धन इतना ज्यादा है कि यह अगर किसी को मिल जाए तो करीब करीब दस साल तक भारत की इकोनॉमी को चलाया जा सकता है आज भी भारत में धन की कमी नहीं है साहब तो ये मेद लोग कुंभलगढ़ किले के आसपास रहते थे और वहीं पर इनकी रक्षा के लिए कटारगढ़ बनाया गया अब हुआ यूं कि 1818 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह ने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली तो स्वाभाविक सी बात है मेवाड़ की रक्षा का जो जिम्मा है वह किसके पास में आ गया कंपनी के पास में तो ब्रिटिश कंपनी जो है वह अब मेवाड़ की रक्षा करेगी मेवाड़ की सहायक सेना रखेगी तो स्वाभाविक सी बात है इन मेरों की लूटपाट पर रोक लगाने की कोशिश करेगी कंपनी अब हुआ यूं कि 1818 ईस्वी में कंपनी का एक कैप्टन था मेरवाड़ा बटालियन का एक कैप्टन था और इन्हीं मेरों के खिलाफ एक बटालियन गठित की गई थी जिसका नाम था मेरवाड़ा बटालियन इस मेरवाड़ा बटालियन का एक कैप्टन था जिसका नाम था कर्नल लंब इस कर्नल लंब ने मेरों की बस्तियों को जला दिया था 1818 में क्योंकि यह क्षेत्र जो है मेरवाड़ा क्षेत्र था ठीक है तो मेरो की बस्तियों को इन्होंने जला दिया था और इस कारण से यह बेचारे फिर इनकी लूटपाट पर रोक लगने लगी तो फिर इन्होंने भी पलटवार किया इन्होंने उन्नीस सौ ईस्वी के आसपास जो मेरवाड़ा क्षेत्र में यह अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है यह ब्रिटिश कंपनी का हेडक्वार्टर था तो मेरवाड़ा क्षेत्र में एक पुलिस चौकी थी जिसका नाम था झाक उस झाक पुलिस चौकी को इन्होंने आग लगा दी पलटवार करते हुए तो फिर कंपनी ने इनका समूल नाश करने का निश्चय कर लिया और इनको करीब अठारह के आसपास इनके ऊपर मशीन गने चला चला के यहां से इनको खदेड़ दिया फिर ये लोग इस इलाके को खाली करके इस इलाके में आकर बस गए और इस इलाके में इनको कहा गया मेव और इस क्षेत्र का धीरे धीरे नाम पड़ा इन्हीं के नाम पर मेवात इनी मेदों के नाम पर इस क्षेत्र का नाम है मेदपाट इन्हीं मेरों के नाम पर इस क्षेत्र का नाम है मेरवाड़ा और इन्हीं मेवो के नाम पर इस क्षेत्र का नाम है मेवात वर्तमान में यह कन्वर्टेड मुस्लिम है अगर कोई व्यक्ति अपने आधे अधूरे नॉलेज के साथ में यदि यह कहना चाह रहा है कि मेवाड़ पर अधिकार भीलों का और ग्ररासियों का था पहले तो थोड़ा सा सही करें अपने आप को इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जो अधिकार था वह मेदों का था या मेरों का था या मेव जनजाति का था जो वर्तमान में कन्वर्टेड मुस्लिम है जो इस अलवर क्षेत्र के अंतर्गत रेवाड़ी भिवाड़ी के आसपास रहते हैं जिनको मेवाती मुस्लिम कहते हैं समझ गए मेरी बात इसके बाद में इस आंदोलन में और भी हम पड़ाव देखेंगे लेकिन फिलहाल इस आंदोलन को हम यहीं पे छोड़ते हैं तो छोटी सी बात है यहाँ पर एक तो 1818 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की वो वाली बात याद रखनी है और इनकी बस्तियों को कर्नल लंब ने जला दिया था वो बस याद रखना है और उन्नीस में मेरवाड़ा क्षेत्र में इन्होंने झाक पुलिस चौकी को आग लगाई थी ये बात आपको याद रखनी है इसके ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है चलिए अब हम चलते हैं राजस्थान के कुछ अन्य आंदोलन की तरफ देखिए जब आंदोलन की बात ही छिड़ी है तो हम और भी आंदोलन पर चर्चा करना चाहेंगे आंदोलन की बात आती है तो बहुत सारे आंदोलन सामने आते हैं साहब आंदोलन कहां नहीं हुए आंदोलन क्या नहीं है आंदोलन राजस्थान के इतिहास में एकमात्र टॉपिक है आंदोलन नाम काफी छोटा है लेकिन इसके अर्थ के मायने बहुत हैं। जैसे कि आंदोलन तो अठारह का स्वतंत्रता आंदोलन भी है जिसे हम अठारह की क्रांति कहते हैं ये भी आंदोलन ही है आंदोलन तो हमने पढ़ा आदिवासियों का यह भी आंदोलन ही है आंदोलन तो हम किसानों का भी देखेंगे आदिवासियों का जनजातियों का तो हमने देख लिया जिसमें हमने भीलों का देखा आंदोलन मेर आंदोलन अभी अभी हमने चर्चा की हमने मीणा आंदोलन की लास्ट क्लास में चर्चा की आंदोलन कहने को लेकर तो आंदोलन मजदूरों का भी है आंदोलन कहने को लेकर तो व्यापारियों का भी है आंदोलन कहने को लेकर तो जागीरदारों का भी है आपको सुन के बड़ा शौक हुआ होगा कि जागीरदारों ने भी आंदोलन किया आंदोलन कहने को लेकर तो प्रजामंडल भी है ये सारे आंदोलन ही हैं भाई साहब जिन्हें हम एक तरह से इतिहास की भाषा में स्वतंत्रता आंदोलन कह सकते हैं एक बात बताओ आदिवासी भीलों ने मेरों ने या मीणाओं ने आंदोलन क्यों किया स्वतंत्रता के लिए तो अब मैं मेरी मर्जी से कोई टॉपिक पढ़ाता नहीं मेरी आदत है मैं पब्लिक डिमांड पर टॉपिक पढ़ाता हूं आपने नोटिस किया होगा किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ाई करो तो वहां पर इंसान अपना फेवरेट टॉपिक सबसे पहले पढ़ाता है उसके बाद में सिट्टी पिट्टी गुम और फेवरेट टॉपिक में तो वो फैन कर ही देता है सबको मेरी क्लास की आदत है ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो मैं पब्लिक डिमांड पर टॉपिक पढ़ाता हूं और ये पढ़ाने के लिए ये बोलने के लिए भी छप्पन इंच का सीना चाहिए भली मेरे में दिखता नहीं है पर है ठीक है और फेवरेट टॉपिक में तो हर कोई अपने आप की फैन फॉलोविंग बढ़ा सकता है है ना मजा तो तब है जब आप बोलो कि सर ये टॉपिक पढ़ाओ क्या पता वो टॉपिक उस बंदे को ढंग से आता है या नहीं आता है तो कभी भी किसी को टेस्ट करना है ना जो ज्यादा क्लास में मतलब अच्छे से अपने आप को मैं ये मैं वो तो आप जो वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना उसको ये मत कहो कि सर ये टॉपिक आप पढ़ाओ ये मत बोलो सर ये टॉपिक पढ़ा दो अपनी मर्जी का टॉपिक पढ़ा दो फिर उसका चेहरा देखो पूरा लाल हो जाएगा ठीक है तो बताइए साथियों अब हमारे सामने आंदोलन की बात ही छिड़ी है तो अट्ठारह पे जाएं, किसानों पे जाएं, मजदूरों पे जाएं, व्यापारियों पे जाएं, जागीरदारों पे जाएं, कहां जाएं हम मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं आप डिसाइड करके बता दो अपना फेवरेट टॉपिक पहले पढ़ाने से फैन फैन फॉलोइंग तो वैसे ही बढ़ जाती है भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं है सबसे पहला उत्तर उसी पर हम जाएंगे रचना जी ने बोला सबकी अलग अलग बातें तो हम नहीं सुन पाएंगे किसान आंदोलन स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है चलिए बात करते किसान आंदोलन हैडिंग ना लिएगा किसान आंदोलन अगर मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो हैडिंग रहेगा आपका किसान आंदोलन चाहता तो मैं भी रोमांटिक हिस्ट्री पढ़ा सकता था मजा आ जाता अब कोई कह रहा है कि अठारह कोई कह रहा है किसान आंदोलन भाई साहब आंदोलन एक बात बताओ अठारह की क्रांति स्वतंत्रता आंदोलन नहीं है है ना फिर चलो आगे पीछे सब पढ़ने ही हैं सब पढ़ेंगे टेंशन मत लो देखिए किसान आंदोलन की जब भी बात आती है तो आपके जहन में एक सबसे बड़ा आंदोलन आता है और वो सबसे बड़ा आंदोलन है बिजोलिया का इस आंदोलन को शुरू करने से पहले मैं दो बातें आपके समक्ष रखूंगा इस आंदोलन को मेरे से भी बेहतर बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया होगा मैं इससे इनकार नहीं कर सकता और मेरे से भी खराब पढ़ाया भी होगा ये बात भी सत्य है लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता और नहीं पढ़ाएगा यह मैं जानता हूं इस आंदोलन को पढ़ाने वालों ने इतना घिस लिया है इतना मतलब कुछ लोगों ने तो इतना पढ़ा दिया है इस आंदोलन के बारे में कि आधी नोटबुक भरवा डाली है ऐसे भी लोग हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ट्रिक में इसको निपटा दिया और जिन्होंने निपटाया वो खुद भी निपट गए तो साथियों हमें इतना भी नहीं पढ़ना है कि यह सिर्फ बिजोलिया बिजोलिया ही चलता रहे छह छह सात सात घंटे तक और इतना भी कम नहीं पढ़ना है कि एग्जाम में नंबर ही ना आए ठीक है हम थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे इस आंदोलन को और इस आंदोलन में जो जो चीजें मैं बताऊंगा वो चीजें आपको सिर्फ ध्यान रखनी है ओके सबसे पहले चलते हैं इस आंदोलन की प्रोफाइल पर यह आंदोलन है क्या देखिए इस आंदोलन के तीन फेज हैं तीन चरण हैं पहला चरण 1897 को शुरू हुआ और 19 16 या 17 को खत्म हुआ इस आंदोलन का सेकेंड फेज द्वितीय चरण नाइनटीन सिक्सटीन सेवनटीन को स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ नाइनटीन ट्वेंटी सेवन को जिसको रिप्रेजेंट किया था नेतृत्व प्रदान किया था विजय सिंह पथिक साहब ने इस आंदोलन का जो थर्ड फेज है तीसरा चरण है वो स्टार्ट हुआ 1927 से और 1941 में खत्म हुआ जिसको रिप्रेजेंट किया था माणिक्यलाल वर्मा जी ने ठीक है ये तीन चरण हैं इस आंदोलन के आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहे तो इसको देख सकते हैं पॉज करके ठीक चलिए शुरू करते हैं इस आंदोलन में आगे क्या होता है और इस आंदोलन की वास्तविक प्रोफाइल क्या है इस आंदोलन को आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके जहन से काफी दूर रही हैं ठीक है तो उसी चीज को हम थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ साथ चलना आगे भागने की कोशिश मत करना इस आंदोलन को शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा था दो बातें ध्यान रखना पहली तो यह कि इस आंदोलन को जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ना है और जरूरत से कम नहीं पढ़ना है दूसरी बात ध्यान पूर्वक सुनना है अगर इसको आपने आज समझ लिया तो ठीक नहीं तो मैं दावा करके कह सकता हूं कि दोबारा आपको कहीं पर भी यह आंदोलन ढंग से समझ नहीं आएगा क्योंकि यह आंदोलन ही इतना लंबा चौड़ा है कि इसको किताबी भाषा में यदि पढ़ लिया गया या पढ़ा लिया गया तो यह आंदोलन जरूर उल्टिया करवाता है या फिर एक ही लास्ट उपाय है कि इसको सौट्रिक से पढ़ो फिर इसलिए इसको महसूस करना इस आंदोलन को दूसरी बात इस आंदोलन को पढ़ाते वक्त बड़ा ये टेढ़ा है बादाम खाने वालों को समझ में आएगा जो कच्चे बादाम खाते हैं उनको थोड़ा मुश्किल से समझ में आएगा इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना जहां बैठे हो वहां पर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए एक एक बात को बारीकी से समझने का प्रयास करना क्योंकि फिर कह रहा हूं आज समझ में आया तो ठीक नहीं तो दोबारा समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने खुद इसको पच्चीस बार पढ़ा तब जाके समझ में आया ठीक है चलिए समझते हैं। देखो साहब आपने सुना होगा बिजोलिया कहां है आप कहोगे कि साहब भीलवाड़ा में है जी हां बिजोलिया भीलवाड़ा में है माना लेकिन हम यहां पर बिजोलिया गांव का आंदोलन नहीं देख रहे हैं हम देख रहे हैं बिजोलिया ठिकाने का आंदोलन बिजोलिया जागीर का आंदोलन तो बिजोलिया जो जागीर है बिजोलिया गांव भली भीलवाड़ा में है लेकिन बिजोलिया जो जागीर है वह भीलवाड़ा में नहीं थी वह भीलवाड़ा के अलावा चित्तौड़ में भी थी तो कभी पूछा जाए कि बिजोलिया जागीर कहां थी तो आप कहोगे भीलवाड़ा और चित्तौड़ बिजोलिया कहां है तो भीलवाड़ा ठीक इस बिजोलिया को पहले विज्ञावली कहा जाता था विज्यावली इसका प्राचीन नाम था बिजोलिया का प्राचीन नाम विज्यावली था ठीक है लेकिन आंदोलन तो हम जागीर का देख रहे हैं ना तो इस जागीर को कहा जाता था ऊपरमाल जागीर जागीर का नाम था ऊपर माल जागीर लेकिन बिजोलिया का नाम था विद्यावली ठीक प्रैक्टिकली इस आंदोलन को समझना इस बिजोलिया के अंतर्गत एक लाइन आपने अक्सर पढ़ी होगी हर किताब में हर गाइडबुक में लाइन यह है कि यह जागीर महाराणा सांगा ने महाराणा सांगा ने खानवा युद्ध के बाद जगनेर के ठाकुर अशोक परमार को, को उपहार में दी ये लाइन सारी किताबों में सारी गाइडबुक में लिखी हुई है है ना पर इस लाइन से मुझे ऑब्जेक्शन ही नहीं घनघोर ऑब्जेक्शन है कैसे कितने प्यारे लोग हैं हमारे इतिहास लिखने वाले और इतिहास पढ़ाने वाले क्या लिखते हैं कि यह जागीर महाराणा सांगा ने खानवा युद्ध के बाद एक बात बताओ मित्रों दिल से बताना आपको आपके खास की कसम है खानवा युद्ध 1527 सो मार्च को लड़ा गया बाबर और महाराणा सांगा के बीच देश का बच्चा बच्चा जानता है कि खानवा युद्ध महाराणा सांगा हारे थे हां या ना हारे थे तो हारने के बाद में महाराणा सांगा जो 1528 में तो दुनिया छोड़ गए थे यह जागीर अशोक परमार को कैसे दे दी क्या मजाक है यार लिखने वालों का खानवा युद्ध के बाद कैसे दे दी गलत लाइन है ये शब्द गलत है यह जागीर खानवा युद्ध के बाद नहीं दी गई थी यह 1520 सो युद्ध के बाद दी गई थी आपको अगर इतिहास ढंग से पढ़ा है मैं महाराणा सांगा मेवाड़ का इतिहास भी आपको पढ़ाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा और आपने भी पढ़ा होगा कुछ बुद्धिजीवियों ने कि महाराणा सांगा ने एक संगठन बनाया था जिसमें सात राजा नौ राव और एक सरदार थे और इन इन्होंने एक योजना चलाई थी जिसको पाति परवण की योजना कहते हैं और उस पाती परवण की योजना का मतलब था कि ये जितनी भी रियासतें हैं ये आपस में बराबर बांट लेंगे महाराणा सांगा ने पंद्रह 19, पंद्रह के अंदर जब गागरोन का युद्ध लड़ा तब उन्होंने मालवा सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त किया था महमूद शाह खिलजी द्वितीय को तब यह जागीर जो है वह अशोक परमार को दी गई थी अच्छा आगे क्या लिखा है बुद्धिजीवियों ने जगनेर के ठाकुर अशोक परमार को उपहार में दी गई अभी-अभी मैं क्या कह रहा हूं कि सात राजा नौ राव एक सौ चार सरदारों की सेना थी राणा सांगा के साथ में पाती पर्वण की योजना में तो उपहार काय का भैया ये तो उनका हक था प्रोजेक्ट भी यही था कि हम साथ में मिलकर लड़ेंगे और लड़ने के बाद में वो जागीरें आपस में बराबर बांट लेंगे अब चमत्कार तो यहां देखो नाम क्या है अशोक परमार जी हां यह वही ठिकाना है बिजोलिया जो महाराणा प्रताप का ससुराल भी था और महाराणा प्रताप के ससुर जी का नाम था रामरख पवार सबको पता है ना चलो उनके ससुर जी का पता नहीं लेकिन महाराणा प्रताप के पत्नी का नाम तो सबको पता होगा ना अजब देव तो महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजब दे पवार है जो कि बिजोलिया जागीर से थी तो उनके पूर्वज परमार कैसे हो सकते हैं या तो महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम भी अजब दे परमार होना चाहिए या फिर अशोक परमार ना हो के इनका नाम पवार होना चाहिए पता नहीं क्या खाके इतिहास लिखा गया है भगवान मालिक है इनका खैर छोड़ो अपन को कोई विवाद नहीं करना है अगर आपको पूछे तो ये व्हाइट कलर वाली लाइन एग्जाम में यूं, की यूं चिपका देनी है पूछे तो लेकिन इतिहास का असली मजा तो यही है भाई साहब अगर आपका सेलेक्शन ना हो वो कहते ना कि हम तो डूबे डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे अगर सेलेक्शन ना हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी सही बता रहा हूं इतिहास से खेलने वाला चाहिए अपने तो कोई विवाद नहीं करना है सीधा सा पूछे कि ये जागीर किसको दी गई थी अशोक परमार को साफ दी गई थी कब दी गई थी खानवा युद्ध के बाद विवाद ही नहीं और अगर एक आध नंबर कम पड़े तो उसी को कोर्ट में चैलेंज कर देना है मजा आएगा कि नहीं यही तो असली कहानी का ट्विस्ट है मजेदार तो यही है खैर बात करते हैं तो इससे यह साबित हुआ कि बिजोलिया के पहले जागीरदार अशोक परमार थे अशोक परमार पहले जागीरदार पहले ठाकुर हालांकि मेरी नजर में तो अशोक पवार होना चाहिए लेकिन परमार ही सही राणो जी क्या वे उदयपुर पर है कहीं करना फालतू विवाद क्यों करना है ना देखिए अशोक परमार के बाद में इस ठिकाने में लगभग 19 ठाकुर हुए थे और 19वें जो ठाकुर थे उनका नाम था किशन सिंह कहीं कहीं पे किताबों में इनको कृष्ण सिंह भी लिखा गया है परमार हालांकि पवार होना चाहिए खैर जो कोई भी हो किशन सिंह परमार या किशन सिंह या कृष्ण सिंह पवार ने बिजोलिया के धाकड़ किसानों के ऊपर जी हां बिजोलिया में धाकड़ किसान थे धाकड़ किसानों पर चौरासी कर लगा रखे थे 84 टैक्स चौरासी कर ठीक है कितने कर चौरासी और ऐसे ऐसे एक अच्छा 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 आगे एक और बात करूं ठीक है एक बात आगे और करना चाहूंगा आपके समक्ष कृष्ण सिंह परमार या कृष्ण सिंह पवार ने चौरासी कर लगा रखे थे बिजोलिया के धाकड़ किसानों पर और मैं एक प्रैक्टिकली बात इस आंदोलन को समझने के लिए बतानी पड़ेगी अगर वो बात आपको समझ में नहीं आती है तो शायद इस आंदोलन को समझना भी बहुत टेढ़ी खीर बन जाएगा ठीक है सुनना ध्यान से देखिए अभी आने वाले समय में आपके लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं इस चुनावों के अंतर्गत आपको आकर कोई यह कहता है पैर पकड़ता है हाथ जोड़ता है कि मुझे जितवा दो तो भैया एक काम करना बली कुछ भी हो जाए किसी बाहर वाले को अपना नेता मत चुनना गलती से भी कारण एक बात बताओ आप जहां कहीं पे भी रहते हो सुनना मेरी बात ध्यान से आप जहां कहीं पे भी रहते हो वहां पर कमाते हो खाते हो लेकिन आप आपका लगाव जो है उस शहर के प्रति नहीं रहेगा आपके गांव के प्रति रहेगा जो भी कमाओगे अपने गांव में इन्वेस्ट करोगे करोगे कि नहीं करोगे तो उस वहां पर उन लोगों से आपका लगाव हो ही नहीं सकता इसलिए बाहर वाला व्यक्ति दूसरी जगह पर यदि ठाकुर हो या नेता हो तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है सीधी सी बात है तो यहां पे ठाकुर कहां के हैं जगनेर के हैं तो आपको क्या लगता है जगनेर के ठाकुरों को धाकड़ किसानों से किसी भी प्रकार का लगाव होगा क्या नहीं हो सकता उनके लिए तो वो प्रॉपर्टी है पैसा ऐठने की मशीन है इसलिए किशन सिंह गोविंद सिंह के बेटे गोपाल दास के नहीं गोविंद सिंह के बेटे कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के धाकड़ किसानों पर कितने टैक्स लगा रखे थे चौरासी एटी फोर टैक्स ऐसे ऐसे कर थे ऐसी ऐसी लाग बागे थी जिनके नाम सुनकर आपको हंसी आएगी भाड़ेरी लाग ने चूड़ेरी लाग ने गोदड़ी री लाग ने गधेडेरी लाग ने पता नहीं क्या क्या लागे रखा लगा रखी थी इन्होंने कुल मिला के धाकड़ किसानों को उनका खून चूसना था भाडेरी लाग चूड़ेरी लाग ठाकुराइन ने अगर चूड़ा खरीदा है तो किसानों पर टैक्स चूड़ेरी लाग अरे ठाकुर साहब की लुगाई है बेचारे किसान टैक्स क्यों भरे गोदड़ी लाग ठाकुर साहब के घर में छोरा या छोरी हुई है तो गोदड़ी की लाग घोड़े रिलाग ठाकुर साहब के घर में अगर छोरा या छोरी को घोड़ा खरीदना है तो घोड़े रख का टैक्स मतलब कुल मिला के किसानों का खून चूसने का इन्होंने डिसाइड कर रखा था समझ पा रहे हो और इस आंदोलन को इत, इसी भाषा में समझना पड़ेगा आपको आगे आगे मत भागो मेरे साथ साथ रहो मेरे प्यारो साथ साथ रहो यह आंदोलन समझ में नहीं आएगा अगर आगे आगे भागो तो मुझे पता है आप इंप्रेशन जाड़ना चाहते हो आसपास फीमेल्स हैं तो मेल वाले इंप्रेशन झाड़ते हैं अच्छी बात है स्टाइल झाड़ते हैं लेकिन दो चार साइड से सवाल पूछूं तो फिर नहीं आएंगे आपको ठीक है चौरासी प्रकार के टैक्स ले रखे थे अंटसंट कर लगा रखे थे इस ठाकुर कृष्ण सिंह और लगाएंगे क्यों नहीं ठाकुर किशन सिंह का बेटा अनूप सिंह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो पढ़ता था उसको रोज नई लाडी और गाड़ी चाहिए थी अब ये जरूरतें पूरी होगी कहां से किसानों के ऊपर टैक्स ठिकाना है उनको तो यहां प्रॉब्लम यह थी कि किसान बेचारा बहुत परेशान था और इतना जबरदस्त परेशान था कि महीनों तक उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था भूखों मरता था बेचारा तो पहली बार किसानों ने आवाज उठाई अठारह सो संतानवे को 1897 को कैसे और किस प्रकार से सुनिएगा जरूर किताबों में लिखा हुआ है कि गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ के नुकता के अवसर पर किसान एकत्रित हुए बहुत बढ़िया लाइन लिखी है इतिहासकारों ने और गाइडबुक वालों ने क्या लिखा है गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ के नुकता के अवसर पर किसान इकट्ठा हुए मस्त बढ़िया क्यूट अरे भाई मेरे लाले गिरधारीपुरा गांव का सरपंच था गंगाराम धाकड़ और गंगाराम धाकड़ का नुकता नहीं था उसकी मां का नुकता था उनकी मां का नुकता था और नुकता मतलब मृत्यु भोज क्रियावर और कितनी मस्त लाइन लिखी है कि अवसर पर नुकता भी अवसर होता है इनके लिए क्या भाषा है देखो खैर कोई नहीं आप पर कहीं विवाद कर लो जैसा लिखा है वैसा सही राणू जी क्या बैठे उदयपुर गंगाराम धाकड़ के, गंगा के नुक्ता के अवसर पर किसान इकट्ठा हुए हुए सब हुए कोई बात नहीं होने दो अब हुआ क्या था यहां पर वो समझना दरअसल जब किसान इकट्ठा हुए थे ना मृत्यु बोझ पर क्रियावर पर तो वो इकट्ठा हुए थे आपको भी पता है जब मृत्यु भोज पर लोग इकट्ठा होते हैं जब जिसकी डेथ होती है या फिर कोई शादी ब्याह होता है तो आपको पता है जो इकट्ठा होते हैं वो सारे वेल्ले लोग होते हैं काम धाम तो कुछ होता नहीं है उन वेलों का कोई बासाहब आते हैं डोकरे बासाब ने बीड़िया फूकते हैं अफीम फूकते हैं अफीम ठोंकते हैं यही काम होता है और आपने नोटिस करना ऐसे मौकों पर अब सरपंच साहब की मां का नुकता है तो स्वाभाविक सी बात है पूरा गांव तो वहां आया हुआ था ठीक है और वहां पे ऐसी मौके पर अक्सर वो जो जितने भी वेले लोग होते हैं ना ठाले लोग वो लोग स्पेशली सबसे ज्यादा वहां पंचायती होती है वन्नी लुगाई असीन वन्नी लुगाई असीन और आपने देखा होगा ऐसे मौकों पर अक्सर पंचायती होती है और मुद्दा कौन सा छेड़ता है यदि गांव में कोई मुद्दा अगर चल रहा है तो वो सबसे ज्यादा मुद्दा वहां पे छेड़ा जाता है गांव में कोई अगर कोई घटना घटी हो तो बासा बीड़िया फूंकते फूकते चाय का वो कटोरी हाथ में होती है ठीक है और बातें करते हैं और अगर कोई गांव में मुद्दा नहीं होता तो राजनीति को लेके बैठ जाते थूकहीं जाने मोदी कई सीज है दूसरा क्या अरे गेलोत कहीं सीजे ऐसी बातें होती है कि नहीं होती है गांव से अधिकतर लोग बिलोंग करते हो आपको तो पता ही होगा शादी ब्याह में ऐसा अक्सर होता है और मृत्यु भोज में तो सबसे ज्यादा होता है भाई मरता है उसको दुख होता है बाकी तो चाहे और बीड़िया फूकने आते हैं आप ठोकने आते हैं ना तो मुद्दा क्या था सुनिएगा देखिए मुद्दा यह था कि गिरधारीपुरा गांव का एक किसान था जिसका नाम था नानजी भाई पटेल ये नानजी भाई पटेल उस समय खेतों में गए हुए थे ठीक है और नानजी के भाई ठाकरी पटेल घर में थे ये दोनों भाई थे ठीक है साहब समझ में आई बात नानजी भाई और ठाकरी पटेल दोनों भाई थे नानजी खेतों में थे और ठाकरी पटेल जो है वह घर में थे और ठाकरी की भाभी नानजी की पत्नी वो भी घर पे थी ठाकुर साहब के कुछ गुंडे आए बदमाश वो लट्ठे तो वो लठबाज और कोई पुराना टैक्स बकाया होगा इनका नानजी भाई की लुगाई को उनकी पत्नी को भरे चौराहे से अपमानित करके कुछ इतिहासकारों ने तो यहां तक लिखा है कि निर्वस्त्र करके चौराहे से घसीट कर लेकर गए परिवार का अपमान किया गया वहां पर तो यह कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था गिरदारीपुरा गांव में और इस पर बहस होने लगी इन किसानों के बीच में कि देखो नानजी भाई के साथ में यह हो गया समझ पा रहे हो तो सब किसान आपस में खुशपुसाह करने लगे कि भाई नान जी की लुगाई के साथ में कल क्या परसों वहां उनके पत्नी के साथ में भी ऐसा ही हुआ था देखो ठाकुर के अत्याचार तो खाली नान जी के परिवार के ऊपर तो है नहीं या फिर गिरदारी पूरा गांव के ऊपर तो है नहीं सबके ऊपर है समान रूप से अब किसानों के बेचारों के महीनों तक घरों में चूल्हा तक नहीं जलता था भूखों मर रहे थे किसानों के अब सिर के ऊपर से पानी निकल चुका था और किसानों ने तय कर लिया कि वो इस बात की शिकायत यानी कृष्ण सिंह की शिकायत करेंगे किसानों ने यह तय किया किसानों का निर्णय ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत शिकायत हम इसको लॉन्ग टर्म में नहीं बता रहे हैं। क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा चौड़ा है इसकी एक एक बारीकी पढ़ने जाओगे तो मर जाओगे मैं आपको सही बता रहा हूं इसलिए शॉर्ट से शॉर्ट और लॉन्ग से लॉन्ग दोनों चीजें हम देख रहे हैं नानजी भाई पटेल सॉरी किसानों ने निर्णय लिया कि वे ठाकुर की शिकायत कृष्ण सिंह की शिकायत जो है वह करेंगे अब किससे करेंगे जो ठाकुर कृष्ण सिंह का बॉस होगा उन्हीं से करेंगे और ठाकुर कृष्ण सिंह फर्स्ट क्लास ठिकानेदार है मेवाड़ रियासत के और उनके बॉस कौन है मेवाड़ महाराणा तो किनसे शिकायत करेंगे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से उनसे करने का निर्णय लिया ठीक है साहब पर भाई साहब कहने को लेकर कि शिकायत करेंगे और शिकायत करने में बहुत अंतर है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा सबने कह दिया कि शिकायत करेंगे पर करने कौन जाएगा ठाकुर के खिलाफ दो नाली वाली बंदूक रखते हैं ठाकुर साहब गोली मार देंगे गोली ठोक देंगे और कहीं दफन कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा पर जिसके ऊपर बीतती है ना फिर उन्हें डर नहीं लगता इसलिए शिकायत करने के लिए नानजी भाई पटेल और ठाकरी पटेल दोनों ने निर्णय लिया कि हम शिकायत करने के लिए महाराणा फतेह सिंह के पास में जाएंगे अब आपको क्या लगता है महाराणा फतेह सिंह इनकी शिकायत सुनेंगे क्या इनका समस्या का समाधान हो पाएगा पहली बार पूरे विश्व में इतना प्राचीन कहीं पे प्रयास नहीं हुआ जो बिजोलिया में 1897 को हुआ पहली बार किसानों ने अपने हक के लिए ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए ये सिटी पैलेस उदयपुर जा रहे हैं अब नान जी की शिकायत सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी इसको हम देखेंगे अगली क्लास में फिलहाल मैं आपके आर्ट एंड कल्चर विषय के विशेषज्ञ और वन एंड ओनली मिस्टर करण सर का स्वागत करूंगा इस क्लास में कि वो पधारें और आपको आगे की जानकारी अपने सब्जेक्ट में दें धन्यवाद Thank <laughs>